कॉलेजर सैफी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्वाई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इंजीनियर सुनील अहमद सैफी साहब की अदालत के बाद, चूँकि वो आ जा नहीं सकते, बहुत बीमार स्थिति में है वो, उनके बाद अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो हमारे साथ मोहम्मद इशा सैफी साहब हैं। 48वीं सैफी डे के बारे में जो सादगी से मनाया गया उसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले मेरे तमाम मेरे साथी हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, बहन हैं, बाकी मेरे सबको मैं सैफी डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सैफी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से मुझे जिम्मेदारी दी है और भाई साहब इस चीज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, खुशी के मौके पर शिरकत करने का मौका मिला। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हमने आइंदा हमारे बुजुर्गों ने इस सैफी डे के त्यौहार को और जो कोशिश के साथ पूरी आवाम को इकट्ठा करने का जो मामला बड़े ज़ोर शोर से उन्होंने शुरू किया, आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग बच्चे और हमारी जो युवा जनरेशन है वो बड़ी खुश है और बड़ी उसमें हुआ हर्षोल्लास रहता है कि हम अपने इस त्यौहार को हर साल खुशी से मनाते हैं। और सभी के साथ हमें ये गाने बड़ा खुशी का मौका पेश किया है कि 6 अप्रैल को हमें सब इकट्ठा होकर एक मंच पर एकता के साथ हमें इस त्यौहार को मनाते हैं। स्वाई की तरफ से सबसे पहले तो मैं भाई साहब पूरी देशों की अवाम से गुजारिश करूँगा कि जनाब सलीम सैफी साहब के अपने दुआ करें, चूँकि वो काफ़ी बीमार रहे हैं उसके दौर में और अभी भी वो एक शदीद बीमारी की में जूझ रहे हैं। तो मैं कोशिश सभी से गुजारिश करूँगा कि उनकी सेहतियाब होने की दुआ करें। और सलीम साहब ने जो ये पता लगाया है मेरे स्वाई का, मेरे स्वाई के जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, चाहे वो दिल्ली के हों या पूरे ऑल इंडिया में हैं, आज वो स्वाई का परचम लेकर चल रहे हैं, मैं उन सभी अपने स्वाई के पदाधिकारियों को दिल से सलाम करता हूँ। और मैं उनसे आज ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके मंच से कि उनको हताश नहीं होना चाहिए। देखिए ये वक्त है, कभी हवा का रुख कैसा होता है, कभी कैसा होता है, हमें मायूसी नहीं करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह सलीम साहब ने हमें रहनुमाई की है, हम आइंदा भी ये कोशिश करते रहेंगे कि उनके नाम को, उनकी कोशिशों को, उनकी कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं जाने देंगे और इंशाअल्लाह हर मुकाम में हम साबित करेंगे। बहुत सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।